ग्वालियर शहर में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पिछले 7 दिनों में ग्वालियर के अलग अलग इलाकों में लूट की कई वारदातें देखने को मिली है। लगातार हो रही लूट की इस घटनाक्रम में आपको बताते चलें कि ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में मां वैष्णोपुरम इलाके में दूध लेने के लिए बाजार से लौट रही महिला पुष्पा राठौड़ के साथ भी दो बदमाशों ने गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र लूट लिया है और देखते ही देखते आरोपी वहां से फरार भी हो गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी महिला ने पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने सूचना के आधार पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ में लूट का मामला दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस लगातार लुटेरों की तलाश कर रही है। ये 22 तारीख की शाम करीब 6:15 बजे श्रीमती पुष्पा राठौर अपनी एक और साथी महिला के हमराह मूवमेंट कर रही थी। इसी दौरान जो है अज्ञात दो बदमाशों ने पीछे से बाइक से ओवरटेक करके इनके गले से एक मंगलसूत्र छीन लिया। इस मामले में थाना हजीरा में बदमाशों के विरुद्ध लूट का प्रकरण दर्ज किया है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तमाम साक्ष्य के आधार पर इसमें कुछ संदेहियों को चिन्हित किया गया है। शीघ्र ही उनको हिरासत में ले लिया जाए।